Hello everyone. So today we will start constitution and also complete constitution. ये constitution की सिर्फ एक ही class होगी और इसके अंदर मैं 80-85-90% तक मतलब almost सब कुछ मैं cover करा दूंगा जो अपनी module में given है. हो सकता है basic चीज़ें रह जाए पर जो मेरा module के साथ मैं verify कराने वाला lecture होगा मेरी three phased स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी हर यूनिट को कवर करने की. नंबर वन हम अपने नोट्स से डिस्कशन करेंगे, नोट्स के साथ डिस्कशन करेंगे और सेकंड हम हमारे उसके साथ ये हमारे मॉड्यूल के साथ वेरीफाई करेंगे और थर्ड हमारा डिस्कशन करेंगे. अगर कोई चीज़ रह जाती है तो मैं मॉड्यूल के साथ जब वेरीफाई कराऊंगा उस टाइम डिस्कस कर लूंगा. तो अभी हम करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू. ये सिलेबस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ICICA का ऑफिशियल सिलेबस है और ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का मैं स्टार्ट करता हूँ. तो हम देखो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भारत का संविधान है, पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कि हमारी कंट्री कैसे वर्क करेगी. किसने बताया स्टेट होगा, किसने कहा प्रेसिडेंट होगा, किसने कहा पार्लियामेंट होएगी, किसने कहा कि इसकी ये ड्यूटी होएगी, किसने हमें राइट दिए, किसने हमें ड्यूटीज़ दी. मतलब सारी चीज़ें. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच अ नेशन गवर्न्स. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सब कुछ बताया है कि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट होगी, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड होएगा. तो हमें सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है. तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक बात करी. कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एक और चीज़, हमारा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है. तो हमें एमसीक्यू टेस्ट के रिगार्डिंग ही पढ़ना है, हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है. तो हमें एमसीक्यू के रिगार्डिंग ही स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करना है. ठीक है, तो हम बात करते हैं देखो कॉन्स्टिट्यूशन की. मैंने आपको बताया कि ये सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द नेशन. उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन की देखो आर्टिकल्स कितने हैं. एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, उसके बहुत सारे पेजेस है. पेजेस कंसिडर कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसके बहुत सारे पेजेस है. उन पेजेस बहुत सारे पेजेस है. तो मान लो 395 पेजेस है, ये एक बुक है. तो ये हमारे 395 पेजेस है. मान लो इसको मैंने पार्ट वन बोल दिया, तो ये हमारे पार्ट हो गए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली एक होता है आर्टिकल्स, एक होता है हमारे पार्ट्स और एक होता है हमारे शेड्यूल्स. तो देखो आर्टिकल्स तो हो गए हर सेक्शन की, ये पेज वन हो गया. एक बुक का एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पेज टू हो गया और ये पेज थ्री हो गया. तो इसको हम टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए, 3 मान लो इस बुक के लिए. और टोटल इसमें पार्ट्स कितने हो गए, ये पार्ट वन हो गया, पार्ट टू हो गया. तो कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए. अब एक नॉवल के अंदर एक इंट्रोडक्शन होता है पहले कि भाई इसमें ये इस बुक के अंदर हम समरी टाइप एक इंट्रोडक्शन होता है. तो वो समरी क्या बोलते हैं, उसको प्रियम्बल बोलते हैं. उस समरी को हम प्रियम्बल बोलते हैं. तो प्रियम्बल इज नथिंग, इट इज़ अ इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स हमारे चैप्टर्स हो गए कि हमारे कितने चैप्टर्स है, हमारे देखो 395 चैप्टर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारे 395 चैप्टर है या फिर हम बोल सकते हैं 448 चैप्टर्स है. अब ये बताओ कि ये दो दो कैसे आया. देखो पहली बात, ये दोनों कभी सेम आंसर में नहीं होंगे, तो मैं दोनों रिमेम्बर करने हैं. अब ये दो का रीज़न मैं बताऊँ, ये चैप्टर वन है हमारा. इस चैप्टर वन में क्या हुआ, इस चैप्टर वन में कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है पर वो सोसाइटी के साथ चेंज होता है. जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है उसके कारण हमें नए लॉज बनाने पड़ते हैं, तो उसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है. तो इस पेज के अंदर मैंने अमेंड करके कोई एक नेसेसरी पेज था, मैंने वो ऐड कर दिया. तो अगर मैं उस पेज को गिनूंगा तो मेरे 448 आर्टिकल्स होएंगे, और अगर पेज को नहीं गिनूंगा तो 395 आर्टिकल्स होएंगे. यही मैंने ये लिखा है, या तो हमारे 395 आर्टिकल्स हो गए या हमारे 448 आर्टिकल्स होएंगे. इसका रीज़न क्या है, विद अमेंडमेंट द आर्टिकल इंक्रीज्ड, सेस आर्टिकल 21 विद अमेंडमेंट 21A इज एडेड. तो
या तो हम उसको एक ही तरह गिने, पर हम एक तरीके क्यों गिने, क्योंकि ये भी आर्टिकल अलग है, ये आर्टिकल भी अलग है। अगर हम अलग तरीके से गिनेंगे तो 448 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स हो गए हमारे। अब कितने पार्ट्स हैं, देखो मैंने बताया ना, ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स इज नोन एज पार्ट, तो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स आर नोन एज पार्ट। तो कितने पार्ट्स हैं हमारे, 22 पार्ट्स हैं। अगर पार्ट में अमेंडमेंट हुआ कितने हो गए, 25 हो गए। दोनों कभी एक साथ आंसर में नहीं आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। अब देखो शेड्यूल्स क्या होते हैं, देखो आर्टिकल्स में बहुत ब्रीफ चीज़ें होती है, बहुत ब्रीफ होता है। जैसे आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, बहुत ब्रीफ पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है आर्टिकल में। और शेड्यूल्स में सारे लिस्ट से बात होती है, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं शेड्यूल्स, शेड्यूल्स बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये ब्रीफ है, ये इंफॉर्मेटिव होते हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में हमें बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं शेड्यूल्स। तो यही मैंने यहाँ लिखा है। पहले कितने, अब शेड्यूल्स में ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है, पहले हमारे 8 शेड्यूल थे, अब हम 12 हो गए। अगर प्रेजेंट शेड्यूल पूछे गए 12 हैं, अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने शेड्यूल थे, तब 8 थे। तो 12 8 हो गया, 395, 448 हो गया, 22 25 हो गया, और ये 12 8 हो गया, ठीक है। टोटल आज तक, अब देखो ये अमेंडमेंट कौन से हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन को 104 बार अमेंडमेंट करने की कोशिश करिए। अमेंडमेंट देखो बहुत तरीके के होते हैं, एक सिंपल अमेंडमेंट हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश होती है। तो ये आज तक 104 बार हुआ है। थोड़े इसमें 101, 102 समथिंग जीएसटी का अमेंडमेंट हुआ था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अमेंडमेंट हुआ था, मतलब जितने बड़े बड़े लॉज है ना वो सारे अमेंड होके आते हैं। तो आज तक 104 अमेंडमेंट हुए। आर्टिकल और शेड्यूल में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, बोथ आर डिफरेंट। आर्टिकल टॉक पॉइंट टू पॉइंट, शेड्यूल इंक्लूड्स लिस्ट एंड आर इन्फॉर्मेटिव इन नेचर। तो हमारा ये बेसिक पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने यहाँ लिखा है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर, व्हाट इज देयर बेसिक मीनिंग। तो ये हमारा आर्टिकल शेड्यूल हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब फोर्स हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन से सारी पब्लिक अथॉरिटी डिराइव करती है पावर, पार्लियामेंट, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, मतलब जितना भी हमारा भारत कैसे वर्क करेगा, भारत में क्या क्या होगा, सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीज़ें लिखी है। अब मैंने आपको कहा था इस बुक का एक वो होता है, एक इंडेक्स नहीं बोलेगे अपन, इस बुक का एक इंट्रोडक्शन होता है कि इस बुक में आपको इसके थॉट्स मिलेंगे, ये बुक आपको ये सिखाना चाहती है। तो ऐसे ही इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज डिक्लेयर्ड इन इट, और इसमें दो तीन चीज़ें हुई है। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसने दिया, ये मत बोलना कि किसी कंट्री ने दिया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं दिया, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे प्रियम्बल में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया ने खुद को ही दिया है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है, हमने खुद को अपने आप को दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल में लिखी है। तो अगर कोई भी पूछे हु हैज गिवन अस द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका आंसर होगा वी द पीपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की। देखो सबको पता है प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेसिक चीज़ हो गई प्रियम्बल की। अब प्रियम्बल के अंदर क्या होते हैं कि प्रियम्बल हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री के इंट्रोडक्शन के अंदर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, प्रियम्बल हमें ये चीज़ें हमारी कंट्री को बोलता है कि हम कौन है, हम सोवरेन है, इंडिया इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसका ऑर्डर ध्यान रखना। SSSDP, हो सकता है ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो ऑर्डर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, नेचुरल है यार ये तो ऑन, ठीक है। अब सोवरेन का मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब है इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया अपने डिसीजन किसी और कंट्री के दबाव में नहीं लेगा। हम पहले ब्रिटिशर्स के राज में थे तो हम पहले ब्रिटिशर्स के राज में थे
तो हम उनके इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ब्रिटिशर्स करते थे, हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। इंडिया इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स डिसीजन, इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स डिसीजन। ठीक है, ये होता है सोवरेन का मतलब। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। सोशलिस्ट का मतलब है इंडिया सोसाइटी के लिए काम करेगा, सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करेगा। इंडिया विल वर्क फॉर इट्स पीपल, तो ये सारी चीज़ें सोशलिस्ट का मतलब होता है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि मतलब है ना सारे कंट्री सारे रिलीजन इंडिया में वर्कशिप कर सकते, ये मतलब नहीं है। सेकुलर का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट का कोई अपना खुद का रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट का अपना खुद का रिलीजन नहीं होगा, ये सेकुलर का मतलब है। इंडिया एज अ कंट्री विल नॉट हैव एंड प्रमोट एनी रिलीजन, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। नाउ आई विल टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी अथॉरिटी मतलब ये डेमोक्रेटिक का मतलब है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारी चीज़ें इलेक्शन के थ्रू होएगी, कोई भी मतलब मोनार्की नहीं चलेगी, तो डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया ये। और रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। तो ये प्रियम्बल ने इंडिया को ये चीज़ें डिक्लेयर करी है कि हम सोवरेंट है, हम सोशलिस्ट है, हम सेक्युलर है, हम डेमोक्रेटिक है और हम रिपब्लिक है। ठीक है, और उसने सारे सिटीजन को क्या दिया है? प्रियम्बल ने क्या दिया है? प्रियम्बल ने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, JLEF, इसका सीक्वेंस याद रखना। देखो मैं क्वेश्चन भी बताते रह रहा हूँ साथ में, क्या आ सकते हैं? बेसिक क्वेश्चन है यार ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेरे साथ चलो, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ याद करते रहना। जस्टिस, रूल ऑफ लॉ विल बी देयर। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होगा कोई राजा होगा वो बोलेगा कि भाई इसको तुम 5 साल की पनिशमेंट दे दो, इसको तुम ये दे दो, ऐसा नहीं होगा। जस्टिस, रूल ऑफ द लॉ विल बी देयर, देयर विल बी नो पार्शियलिटी। लिबर्टी, लिबर्टी के अंदर मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी, जैसे लिबर्टी मैं अपनी कंट्री के अंदर कहीं पर भी जा सकता हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं कोई भी एक्टिविटी कर सकता हूँ। पर ये सारी चीज़ें रीजनेबल रिस्ट्रेंट मतलब रीजनेबल पार्लियामेंट इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। जैसे मैं अपनी कंट्री में कहीं पर भी जा सकता हूँ, इसका मतलब मैं अपनी कंट्री के अंदर कहीं पर भी जा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके कहीं पर भी चल जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें लिबर्टी होती है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है कोई, पर वो अभी हम आगे बात करेंगे। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होगा, इक्वलिटी, भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, क्रीड, इनके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी कि प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लग रहा है तो वो अपने 5 रिश्तेदारों को है ना कोई प्रिविलेज देके कोई पोस्ट दे देगा, ऐसा नहीं होगा। इक्वलिटी विल बी देयर एंड फ्रेटर्निटी, इट इज द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सो फ्रेटर्निटी विल बी ऑल्सो देयर। ये सब अपने है ना यूनिटी से रहेगी, फ्रेटर्निटी से रहेगी, इंटीग्रिटी से रहेगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मैं जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल आगे डिस्कस करूंगा। बेसिक मीनिंग ये है, जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कि मैं उसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकता हूँ, अगर मेरे साथ इनमें से कोई चीज़ नहीं हुई तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, ये मतलब होता है जस्टिसेबल का। और नॉन जस्टिसेबल का मतलब है मैं कोर्ट नहीं जा सकता, इन चीज़ों को एनफोर्स कराने के लिए मैं कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रियम्बल भी कंप्लीट। तो इसमें क्वेश्चन, ये आर्टिकल्स याद रखना, पार्ट्स याद रखना, शेड्यूल याद रखना, टोटल अमेंडमेंट याद रखना। प्रियम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसने दिया है? वी द पीपल ने दिया है। इनकी सीक्वेंस याद रखना, इनके मतलब याद रखना, और ये JLEF का कॉन्सेप्ट याद रखना कि वो क्या बोलता है सिटीजन्स को, कैसा होना चाहिए, सिटीजन्स के लिए क्या बोलता है, ये चीज़ें बोलता है। ये तो स्टेट के लिए बोली उसने, और ये अब सिटीजन्स के लिए बोली, ये प्रियम्बल ने बोला, और प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ हम बात करते हैं प्रियम्बल की। देखो भाई, ये जो मैं बताऊँ तुम्हें कि मैंने अभी बताया कि 104 अमेंडमेंट हुए हैं, 104 अमेंडमेंट हुए हैं ना, तो अमेंडमेंट के अंदर जो हमारा 42 अमेंडमेंट था, 42 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42 अमेंडमेंट हमारा इंदिरा गांधी के टाइम होता है। सबको पता है इंदिरा गांधी कौन थी, उसने इमरजेंसी इम्पोज करी थी, तो इमरजेंसी के टाइम हमारा 42 अमेंडमेंट हुआ था, और ये 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसने इमरजेंसी के टाइम इतने अमेंडमेंट करे, इतने अमेंडमेंट करे इसने, मतलब उस अमेंडमेंट को क्या बोल दिया अपन ने, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। पर बाद में इसकी गवर्नमेंट गिर गई, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, उसने 44 अमेंडमेंट से सारी चीज़ों को ठीक कर दिया, पर कुछ चीज़ों को ठीक नहीं करा। तो ये 42 अमेंडमेंट से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में ऐड हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ईयर याद रखना 1976। और एक चीज़ बताऊँ,
सबसे बढ़िया तुक्का अगर कभी किसी अमेंडमेंट क्वेश्चन का है ना, 42 मार देना, क्योंकि 42 अमेंडमेंट बहुत है। अब तुम खुद देखो, हमारा वन ऑफ द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके अंदर हमारे इतने, अगर किसी चीज़ को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं तो तुम सोचो उसने कितने अमेंडमेंट करे होंगे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारा, मैं सारे नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा ये बेसिक पार्ट हो गया, और ये एकदम CSET के लिए वीडियोज़ है, मॉड्यूल से कवर कर रहा हूँ, कोई ऐसे अपनी मन गढ़ंत कुछ कहानियाँ नहीं बना रहा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो मॉड्यूल में एक चैप्टर एक जगह पर गिवन है, इंडिया फेडरल है या यूनिटरी है, इंडिया फेडरल है या यूनिटरी इन नेचर है। देखो मैं तुम्हें पहले बताऊँ फेडरल और यूनिटरी का मतलब क्या होता है। फेडरल का मतलब है कि इंडिया, फेडरल का मतलब है कि पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फेडरल का ये मतलब है, पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और यूनिटरी का मतलब है कि सारी पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगी। तो तुम बताओ हमारे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, सेंटर और स्टेट की अलग अलग पावर है। तो तुम बोलोगे कि हमारी कंट्री फेडरल है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तुम्हें फेडरल और यूनिटरी समझ में आ गया, फेडरल मतलब स्टेट की अलग पावर है, गवर्नमेंट की अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और यूनिटरी मतलब स्टेट की कोई पावर नहीं है, स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ एक गवर्नमेंट का रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, और वही जो बोलेगी वो फाइनल है, ठीक है। अब देखो जहाँ पर सेंटर और स्टेट होगी वहाँ पर किसी डिसीजन पर कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट कौन रिजॉल्व करेगा, जुडिशरी होगी रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ पर जब कोई कोई दो लोग है ही नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होगा, कॉन्फ्लिक्ट के लिए दो लोग तो चाहिए ना, तो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम, जो चीज होगी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगी। और अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर बहुत हार्ड होता है, उसको लोकसभा जाना पड़ता है, उसको राज्यसभा जाना पड़ता है, उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर हार्ड होता है, इसलिए हमने बोला है कि इट कैन बी ओनली अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। और यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो तुम खुद बताओ जहाँ पर एक अथॉरिटी का राज है, सिर्फ एक जगह सारी पावर कॉन्सेंट्रेट है, वहाँ पर तो भाई जो वो बोलेगा उसको हमें मानना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर बहुत आसान होता है इसके अंदर, ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट है, स्टेट भी है सेंटर भी है, इसमें एक ही गवर्नमेंट है, इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। तो देखो ये भी इंडिया पे अप्लाई हो रहा है, ये भी इंडिया पे अप्लाई हो रहा है, और ड्यूअल सिटीजनशिप होती है फेडरल के अंदर। और यूनिटरी में क्या होता, भाई देखो दो जगह, दो तुम दो गवर्नमेंट मान रहे हो तो दो गवर्नमेंट की दो अलग अलग सिटीजनशिप होगी। अमेरिका के अंदर ऐसा ही है, यूएसए अपनी अलग सिटीजनशिप देता है और उसकी सब ऑर्डिनेट स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप होती है, पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये क्या हुआ, अभी तक तो सारे हम फेडरल को मान रहे थे और अब हमने एक यूनिटरी फीचर बता दिया, पर नहीं, अभी यूनिटरी फीचर और है, रुको मैं बताऊँ। देखो यूनिटरी फीचर्स, पता है इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया को क्वासी फेडरल बोलते हैं, इंडिया इज क्वासी फेडरल, इट इज फर्स्ट टाइम यूज बाय प्रोफेसर केसी वेयर। ये मॉड्यूल में नहीं है केसी वेयर वाला, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है, देख लो प्लीज, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल का मतलब फेडरल भी है यूनिटरी भी है। तो हमने फेडरल के फीचर देख लिए कि भाई दो जगह पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है रिटन है। अब यूनिटरी के फीचर्स देखो, अब तुम खुद बताओ स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है या सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है इंडिया के अंदर। तुम बोलोगे भाई जो मेन इशूज़ हैं वहाँ तो जो मेन इशूज़ है वहाँ तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हुई, तो ये फीचर किसका, यूनिटरी का है। अब एक चीज़ और बताऊँ, मैंने इसमें मेंशन नहीं करी, मैं भूल गया था कि जहाँ पर मनी अलोकेशन की बात आती है, मनी स्टेट गवर्नमेंट को कौन अलोकेट करता है, सेंटर अलोकेट करती है। तो मनी कौन, जो मनी मनी कौन अलोकेट करती है, सेंटर गवर्नमेंट करती है, मनी सेंटर करती है, किसको करती है, स्टेट को करती है। तो स्टेट की अपनी इच्छा से कर रही है कि वो सेंटर को, तो सेंट सॉरी वो वीडियो बंद हो गई थी। तो सेंटर गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है किसको अलोकेट करे। तो कौन पावरफुल हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसका फीचर हुआ, ये यूनिटरी का फीचर हो गया। तो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं यूनिटरी भी है इंडिया और फेडरल भी है। इमरजेंसी पावर, जब इमरजेंसी लगती है ना तो सारी स्टेट गवर्नमेंट की पावर सस्पेंड हो जाती है, सस्पेंड कर देती है, और सिर्फ एक ही पावर पावर बचती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसके अंदर कौन पावरफुल हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हुई। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज का अपॉइंटमेंट होता है ना, तो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर होता है। तो अपॉइंटमेंट के अंदर भी कौन हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। अब जो स्टेट का हेड होता है एक तरीके से, जैसे इंडिया का जो हेड है प्रेसिडेंट, मैं डिस्कस करूंगा इसको, तो स्टेट का हेड कौन होता है एक तरीके से, गवर्नर। कोई भी लॉ, बिल, एक्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिना गवर्नर के साइन हुए हुए वो चीज़ लागू नहीं हो सकती। गवर्नर प्रेसिडेंट का काम करता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंटर करता है ना। तो पावरफुल कौन हुआ, सेंटर हुआ। तो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दिस ऑल प्रूव्स दैट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ फीचर्स ऑफ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। ठीक है, तो ये हमने यूनिटरी और फेडरल पे थोड़ा डिस्कशन लंबा था, तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड आएगा, पर एक फिर भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर यूनिटरी फेडरल को समझने में बहुत लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को एक्सटेंड करा। तो ये हमारी ये चीज़ हो गई यूनिटरी फेडरल और ये प्रियम्बल वाली। हमने कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, हमने प्रियम्बल समझ लिया, हमने यूनिटरी फेडरल का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मैं है ना एक बार पार्लियामेंट पे आ रहा हूँ, थोड़ा मेरा टीचिंग स्टाइल अलग है, मैं पार्लियामेंट पे आ रहा हूँ। देखो पार्लियामेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है। पार्लियामेंट में क्या होता है, व्हाट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या बनता है, पार्लियामेंट ये जो हमारा पार्लियामेंट है ये किससे बनता है, ये हमारा लोकसभा से बनता है, ये हमारा राज्यसभा से बनता है, ये हमारा प्रेसिडेंट से बनता है। पार्लियामेंट के अंदर कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल्स टू पार्लियामेंट। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अपन धीरे धीरे पार्लियामेंट कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, पार्लियामेंट अपन कवर करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर अब मेरी बात सुनना। देखो पार्लियामेंट के अंदर, एक मिनट, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ तो सुनो, पार्लियामेंट के अंदर कौन आते हैं, लोकसभा आते हैं। अब देखो लोकसभा कैसे बनती है, लोकसभा के अंदर इंडिया को, ये थोड़ी ड्राइंग गड़बड़ है, इंडिया को हम देखो, मैं एक बार रुको, चलो। लोकसभा के अंदर हमारे 530 मेंबर स्टेट्स से होते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से होते हैं, और 2 मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की 552। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मेरी बात सुनो, इंडिया को ऐसे करके 552 रीजन में बांटते हैं। इलेक्शन के टाइम जो नरेंद्र मोदी का इलेक्शन होता है, जो सेंटर का इलेक्शन होता है, उसके अंदर हम इंडिया को 552 रीजन्स में बांटते हैं। और हर रीजन के अंदर, जैसे राजस्थान है वहाँ पर 25 समथिंग है, दिल्ली के अंदर 7 समथिंग सीट है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो दिल्ली को उन्होंने 7 रीजन्स में बांटा है, उस दिल्ली को इन्होंने 7 रीजन्स में बांटा है, और 7 रीजन से 7 लोग कहाँ पर पहुंचे हैं, लोकसभा में पहुंचे हैं। दिल्ली को 7 रीजन में बांटा। अभी रीजन में कैसे बांटा, पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का है यूपी में, तो सबसे ज़्यादा रीजन में किसको बांटेंगे, यूपी में 80 समथिंग को बांटते हैं। और 80 लोग कहाँ जाते हैं, चुनके 80 लोगों के इलेक्शन होते हैं, 80 लोग कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, 80 लोग कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। तभी तो बोलते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होके गुजरता है। अगर जो यूपी को जीत जाएगा, जो सेंटर गवर्नमेंट के इलेक्शन के टाइम यूपी में 80 सीटें ले आएगा, उसका दिल्ली पक्का है। ठीक है, तो ऐसे है, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आई वुड से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी लोकसभा की। इंडिया को हमने इतने रीजन्स में बांटा, इस रीजन के अंदर एक एक लीडर चुन के आया, और वो कहाँ गया, लोकसभा में। और लोकसभा में 552 लीडर आए, तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा लीडर हुए गए, मेजोरिटी में लीडर हुए गए, मेजोरिटी कितना हुआ, 250 प्लस 25, 275, 276 मान ले, 276 जिसकी मेजोरिटी होगी ना, उसका प्राइम मिनिस्टर होएगा। ठीक है, इसका आधा करा, इसके आधे के अंदर एक ऐड करा, तो इतनी मेजोरिटी का उसके अंदर, जिसकी
होगी ना, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, मैंने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, लोकसभा का पूरा क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ मैं डिस्कशन के अंदर दोबारा डिस्कस कर दूंगा, मेरे को पिंग कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर नहीं हुआ मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, 530 मेंबर कहाँ से है, स्टेट से, 20 मेंबर्स कहाँ से, यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के इलेक्शन नहीं होते, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सिर्फ 2 लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है क्या चीज़, ये कम्युनिटी क्या है कि ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन लोगों को रेल लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए इधर लाए थे, तो रेल लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए लाए थे तो वो लोग यहीं रह गए, वो लोग यहीं बस गए, तो उन्होंने इंडियन वुमेन से शादी कर ली, इंडियन गर्ल से शादी कर ली। तो उनको एक रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए ये 2 लोग रखे गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है अपनी विल पे। तो ये 2 लोगों का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता है। तो सुनना, अगर ये नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करेगा तो प्रेसिडेंट ये लोग प्रेसिडेंट को फेवर करेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना, मैं अभी इसको कनेक्ट करूँगा मैं एक चीज़ से। अगर कोई चीज़, अगर ये 2 लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ये लोग प्रेसिडेंट के लिए थैंकफुल रहेंगे हमेशा कि हाँ भाई आपने अपॉइंट करा था। तो इस चीज़ को मैं अभी डिस्कस करूँगा, अभी आता हूँ मैं उस पर। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई 552, और ये चीज़ हो गई, यूपी का एग्जांपल हो गई। ये सब कैसे डिसाइड होती है, पॉपुलेशन पे डिसाइड होती है। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एवरी 5 ईयर होते हैं, थ्रू अडल्ट सफरेज होते हैं, सबको पता है वोटिंग से होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इलेक्शन कैसे हैपन होता है, इलेक्शन कैसे हैपन होता है, रेफर वीडियो, मैंने अभी वीडियो के अंदर बताया कि इंडिया को इतने रीजन्स में बांटते हैं, हर एक एक रीजन को एक एक सीट देते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उससे लोग लोकसभा जाते हैं, जिसकी मेजोरिटी होएगी उसकी गवर्नमेंट होएगी, उसकी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होएगा। तो आज की डेट में मेजोरिटी किसकी है, बीजेपी की। तो ऐसे करके ये हमारा हो गया। ठीक है, अब सुनना मेरी, एक और कॉन्सेप्ट है, ये 552 सीट्स है ना, ये मैक्सिमम सीट्स हैं, मतलब अभी तो 543 सीट्स हैं। ये क्या होता है कि पॉपुलेशन थोड़े दिनों बाद बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा इंडिया को। तो मैक्सिमम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 552 दे रखा है, पर प्रेजेंटली हमने कितने पार्ट में कर रखा है, 543 पार्ट में हमारे इलेक्शन कराते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये कौन करेगा, ये इलेक्शन कमीशन करेगी, उसको लगेगा कि इस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई, या इंडिया का कभी रीस्ट्रक्चरिंग होगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दोबारा इंडिया के रीजन्स डिवाइड होएंगे, तो उनमें ये सीट्स काम आती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और ये करंट स्ट्रेंथ है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लोकसभा क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब क्या होता है, लोकसभा क्लियर हो गया, अब सुनना, मैं मेरी हर चीज़ लिंक करूँगा मैं। चलो ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो लोकसभा हो गया, राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस होता है। अब सुनना, इसको पढ़ाने से पहले मेरे को वहाँ पर जाना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा, एक मिनट प्लीज़, ये जो, हाँ ये वाला, जैसे हमारा एक इंडिया इंडिया के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर भी अपनी खुद की, इंडिया में तो है ही, महाराष्ट्र की भी खुद की विधान परिषद और विधान काउंसिल, ये हो गई लोअर हाउस और ये हो गया हमारा अपर हाउस। तो महाराष्ट्र के अंदर 2 होएगे। अब तुम एक चीज ध्यान रखना, लोकसभा के अंदर है ना, जो लोकसभा के अंदर है उसके इलेक्शंस होते हैं, तो वो कौन जाता है, वो इंडिया पे राज करता है। तो विधान परिषद के जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं ना, वो जो जीतेगा वो महाराष्ट्र पर राज करेगा। ठीक है, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना, मतलब दोनों चीज, इसका हेड कौन होता है, गवर्नर, इसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, ये तीनों बना के पार्लियामेंट बनती है, और ये तीनों बना के, इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, पर यू कैन से दैट इट इज कोरिलेटेड टू दैट, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग इससे ही होती है। अब सुनना, ठीक है, अब एक चीज, तो ये हो गया। ठीक है, कोई भी जो मैंने कुछ इंट्रोड्यूस करा, तो वो चीज़ पहले लोकसभा से पास होएगी,
राज्यसभा से पास होएगी, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, तभी जाके वो फाइनल बिल बनेगा एक्ट। ये जो प्रोसीजर होता है इसमें वो होता है एक्ट, ये एक्ट है, ये एक्ट है, इसको बिल बनने के लिए फाइनली बिल कहाँ बनता है, बिल प्रेसिडेंट के पास बनता है, ठीक है। तो ये एक्ट और बिल का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, लोकसभा भी समझ आ गया, ठीक है। अब सुनना, एक और चीज़ है कि जैसे विधान परिषद के अंदर भी क्या होता है, जैसे हमारे लोकसभा में दो को रिजर्वेशन दे रखी है, मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव दे रखा है, वैसे राज्यसभा के अंदर 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। राज्यसभा भी बहुत मजा आएगा समझने में, 238 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के मेम 238 टोटल होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुई, 250 हुई, ठीक है। 238, अब सुनना मैं बताता हूँ, रुको। राज्यसभा लोकसभा का कॉन्सेप्ट है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन का, जिसमें हम सब लोग वोट डालते हैं, और जो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है ना, राज्यसभा का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, राज्यसभा, राजा, राज्य, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो अब सुनना, तो मैं बोल रहा था कि राज्यसभा है ना, राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मैं बताता हूँ। देखो राज्यसभा का मतलब मैंने बताया राज्य की सभा, सारे राज्य वहाँ पर हैं। तो क्या होता है कि डिफरेंट, जैसे दिल्ली है, दिल्ली नहीं महाराष्ट्र लो, महाराष्ट्र है, उसका जो खुद की स्टेट गवर्नमेंट की जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, महाराष्ट्र का अलोकेट है राज्यसभा की, मान लो एग्जाम्पल है 20 सीट्स, तो उसमें कौन जा उन उसके इलेक्शन कैसे होएंगे। अपर हाउस के इलेक्शन कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, अपर हाउस के इलेक्शन हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब हम इनको डायरेक्टली चुनते हैं, ये लोग कौन है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनती है ना उस टाइम, सब पता है, दो टाइम वन वोट डालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम लोकसभा, स्टेट गवर्नमेंट के टाइम दीज पीपल, विधान परिषद भी से, तो इनको हम वोट डालते हैं, ये लोग है ना, इन लोगों को चुनकर राज्यसभा भेजते हैं, और राज्यसभा भेजते हैं, और ऐसे ही ये लोग कुछ लोगों को चुनकर अपने अपर हाउस के अंदर भेजते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेशन से ही लोग उसके अपर हाउस में आते हैं, और स्टेट लेजिस्लेशन के लोग ही इंडिया के अपर हाउस राज्यसभा में आते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन वाली चीज़ है, राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन वाली चीज़ है। और लोकसभा हम खुद वोट डालते हैं, नरेंद्र मोदी के टाइम सबने वोट डाला था, राज्यसभा के अंदर हमने कभी वोट नहीं डाला, ये जो चुने हुए लोग होते हैं, ये नहीं, सॉरी, राज्यसभा मतलब राज्य, राज्य की विधान परिषद के अंदर जो चुने हुए लोग होते हैं वो लोग वोट डा वो लोग अपने आप 20 लोगों को इलेक्शन से करते हैं, और ये लोग कहाँ जाते हैं, ये लोग राज्यसभा के अंदर जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा के अंदर जाते हैं। तो 238 मेंबर्स आर अपॉइंटेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स टू डिफरेंट स्टेट्स, कहाँ पर मेंशनड है, फोर्थ शेड्यूल में मेंशनड है। अभी तक मैंने इसमें कोई आर्टिकल कोई चीज मैंने नहीं बताई। तो हमने बेसिकली लोकसभा डिस्कस कर लिया, राज्यसभा डिस्कस कर लिया। लोकसभा के अंदर, लोकसभा देखो परमानेंट बॉडी, लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं होती, हर 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसके हर 5 साल बाद इलेक्शन दोबारा होते हैं, तो वो चीज़ें डिसॉल्व हो जाती है, तो वो परमानेंट बॉडी नहीं होती। वैसे ही विधान परिषद परमानेंट बॉडी नहीं होती, उसके हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को चुनने के लिए, ये परमानेंट बॉडी नहीं होती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा, राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है, उसको क्योंकि हम चुनते नहीं हैं, वो लोग जो राज्य के लोग होते हैं वो अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग ही उन लोगों को राज्यसभा भेज देते हैं, तो ये एक परमानेंट बॉडी होती है। इसका एक मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, और 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं एवरी ईयर। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा है रिटायर होने का, आपके मॉड्यूल में इतना कवर नहीं है, पर इतनी सी बात ध्यान रखना है, हम इनको नहीं चुनते, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आती है, और एक मेंबर की टर्म 6 ईयर की होती है, और 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ रिटायर्ड्स एवरी सेकेंड ईयर, तो इसलिए एक मेंबर की टर्म 6 ईयर्स की होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, परमानेंट बॉडी हो गई, 238 मेंबर्स हो गए,
मैंने इसमें सारा डिस्कस कर लिया। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्ट मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, देखो मैं इसमें लिखता हूँ, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इन लोगों को इलेक्ट करते हैं एंड सेंड देम इन देयर राज्य एंड सेंड देम इन राज्यसभा फ्रॉम देयर स्टेट। रेफर वीडियो, नोट्स है ना आपके, तो मैं वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया। राज्य के लोग अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, इनको अगर 20 सीट अलॉट है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं, और राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होती है। एक स्टेट के अंदर भी अपर हाउस होता है, उसको अपन विधान काउंसिल बोलते हैं। ये है ना, हर स्टेट में नहीं है, ये स्टेट की मर्जी है एग्जिस्ट कराना है नहीं कराना, हर स्टेट में आज की डेट में नहीं है, 8 स्टेट्स में आज की डेट में, मैं अभी डिस्कस करता हूँ इनके बारे में, तो ये स्टेट की मर्जी है। तो हर स्टेट में अपर हाउस नहीं है, क्योंकि अपर हाउस का कोई मतलब नहीं है ना, स्टेट गवर्नमेंट है। लोअर हाउस में बिल पास करो, गवर्नर के पास भेजो, काम खत्म। और सेंटर के अंदर जरूरत होती है इतनी चीज़ की, तो ये चीज़ें हमारी इसके रिगार्डिंग हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब सुनो, अब ये देखो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एग्जिस्ट इन एवरी स्टेट थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन हेल्ड 5 ईयर। लोअर हाउस डिजोल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर शैल नॉट कंसिडर, ठीक है, ये एक टर्म है, रिमेम्बर करने वाली है, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। टोटल विधानसभा के अंदर 500 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। जब हमारे लोकसभा में 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो तुम क्या दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है उसके लिए दिल्ली को 500 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का तुम करोगे क्या? तो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लिमिटेशन लगा रखी है, और 60 से कम नहीं हो सकते। विधान परिषद नॉट एग्जिस्ट इन एवरी हाउस, नॉट एग्जिस्ट इन एवरी स्टेट, सॉरी, ठीक है। 8 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल इन इंडिया, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। काउंसिल परिषद, काउंसिल सभा, लोकसभा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया, इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट, इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं इसके अंदर। अब सुनना, ये जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करती थी, जम्मू कश्मीर में दोनों हाउस थे, पर जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल को हटाने के बाद उनकी खुद की हाउस की पावर, उनके खुद के इलेक्शन की पावर हटा दी, तो वहां पर अब ये अपर हाउस हटा दिया, ठीक है। ये भी कोई मॉड्यूल में नहीं गिवन, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके अंदर ये चीज़ बीच में आ रही थी इसलिए मैंने ये बताया। इसके अंदर मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। इसके अंदर ये भी याद करने वाली चीज़ है, परमानेंट बॉडी होती है, सॉरी ये वाली परमानेंट बॉडी होती है राज्यसभा की तरह। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, 6 ईयर का टर्म हुआ तो राज्यसभा हो गई। राज्यसभा स्टेट की, राज्यसभा स्टेट की अपर हाउस, वर्ड्स को कोरिलेट करना जो मैं बोल रहा हूँ। विधानसभा से बिल इसमें गया, इससे गवर्नर में गया, बिल पास हो गया, ठीक है। परमानेंट टोटल मेंबर्स, अब इसके मेंबर्स में भी लिमिटेशन लगा दी, टोटल मेंबर्स शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, 40 से कम नहीं हो सकते। और जो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिससे डायरेक्ट इलेक्शन में आते हैं, अगर उसमें 100 है तो 1/3 कितना हुआ, 33 से ज़्यादा, 33 से ज़्यादा तुम्हारे अपर हाउस में नहीं हो सकते, पर मिनिमम 40 तो होने चाहिए, तो 40 हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोअर हाउस ऑफ सेंटर, लोअर हाउस ऑफ स्टेट, अपर हाउस ऑफ सेंटर, अपर हाउस ऑफ स्टेट, ये मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फेस्ट मतलब थोड़ा तेज जा रहा हूँ, तो आप मेरे को मैसेज करना, टेक्स्ट करना, मैं आपको वो चीज़ दोबारा बताऊंगा। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से लोकसभा राज्यसभा ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके हेड की। इनका हेड कौन है? सेंटर का प्रेसिडेंट। इनका हेड कौन है? गवर्नर, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? अब सुनना मेरी बात, देखो एक चीज़ और मैं बताऊं, इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसको इलेक्ट्रोल कॉलेज बोलते हैं, कि भाई इलेक्ट्रोल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, अपन बचपन से 10th क्लास से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस। इलेक्टेड मतलब जो नॉमिनेटेड नहीं है, अगर नॉमिनेटेड वाले भी अपना इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो किसको फेवर करेंगे? वो प्रेसिडेंट को फेवर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको लोकसभा में इलेक्ट कराया, प्रेसिडेंट ने उनको राज्यसभा में इलेक्ट कराया, तो
नॉमिनेटेड वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद। मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत बड़ा होता है, उसमें हमारी इंडिया की स्टेट जो जो लोकसभा होती है उसके सारे मेंबर्स वोट देते हैं, राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स वोट देते हैं, लोकसभा के भी इलेक्टेड देते हैं, और जितनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर किसी स्टेट के पास दो है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उनके सारे के सारे वोट देते हैं, तब जाके हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, और उसको नॉमिनियल हेड बोलते हैं। देखो, नॉमिनियल हेड और रियल हेड, खुद बताओ इंडिया के अंदर कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है या प्राइम मिनिस्टर के पास है? सब बोलोगे भाई प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो असली में हेड है, मतलब जो थोड़ा कन्फ्यूजन था इसके अंदर, तो मैंने उसको क्रॉस चेक करने के लिए वीडियो को मैंने पॉज करा था। तो देखो, नॉमिनियल हेड और एक्चुअल हेड हुआ ये, मतलब हमें पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, पर फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को हेड मानता है। प्रेसिडेंट इज एवरीथिंग, मतलब प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करता है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो हमारा रियल हेड, तो रियल या फिर एक्चुअल हेड बोल सकते हैं, पर एक्चुअल विल बी मोर प्रिसाइज। एक्चुअल हेड तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनियल हेड है। नॉमिनियल हेड कैसे? देखने के लिए हेड है कि भाई सारी चीज़ें तो प्राइम मिनिस्टर वाले कर रहे हैं, पर फाइनल बिल पे किसका ड्राफ्ट होता है? प्रेसिडेंट का ड्राफ्ट होता है। सारी चीज़ें तो लोकसभा राज्यसभा कर रही है, पर फाइनल ड्राफ्ट फाइनल साइन किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। तो इसलिए हम प्रेसिडेंट को नॉमिनियल हेड बोलते हैं कि भाई देखने के लिए अच्छा है वो, कि हाँ ठीक है भाई तू हेड है, ऐसे करके हम कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, पावर्स इलेक्शन मैंने बता दिया प्रेसिडेंट का, अब हम पावर्स बता। देखो भाई, इस पार्लियामेंट टॉपिक के अंदर एक तो ये चीज़ हमारी याद करने वाली है, ये चीज़ हमारी याद करने वाली है। इसके अंदर फोर्थ शेड्यूल मॉड्यूल में मेंशन है, इसलिए मैंने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होता है, पूरे इंडिया को किस किस स्टेट को कितनी सीटें मिलती है, वो कहाँ लिखा है, वो फोर्थ शेड्यूल में लिखा है। तो ये मैंने आपको मैंने बता दिया। अब देखना, प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर दो आर्टिकल मेंशन है। देखो, हमारा टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद करना है। मैं फाइनली इसके शॉर्ट कंपाइल नोट्स भी दूंगा, ये तो मेरे नोट्स हो गए, इसकी मैं पीडीएफ जरूर भेजूंगा ग्रुप के अंदर। ग्रुप का लिंक मैं भेज दूंगा, नीचे नीचे सेंड कर दूंगा, या मैं वीडियो के बाद दे दूंगा। या फिर जो हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जो आर्टिकल 53 है, उसके अंदर हमें प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स का पता लगता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स का पता लगता है कि हमारे कि जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे, ही विल टेक केयर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, ही विल बी द कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, ही विल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। इसके पास जुडिशियल पावर्स भी होती है, ये किसी को भी पार्डन दे सकता है। तुमने सुना होगा निर्भया के जो जो आरोपी थे, उनकी पिटीशन गई थी प्रेसिडेंट के पास, उसने डिनाई कर दिया, ऑब्वियसली उसको डिनाई करना था। तो ही हैज जुडिशियल पावर्स लाइक पार्डनिंग ऑफ द पनिशमेंट्स, ही हैज लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे? कि भाई फाइनल साइन कौन करता है? ड्राफ्ट पे फाइनल साइन तो प्रेसिडेंट का होगा, तो प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती है। लेजिस्लेशन मतलब, लेजिस्लेशन का मतलब यही है ना। तो आर्टिकल 53 में हमें प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बताता है। एमसीक्यू के अंदर क्या आएगा? आर्टिकल 53 इज रिलेटेड टू विच एग्जीक्यूशन पावर ऑफ विच पर्सनैलिटी इन द कंट्री, इट इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। कौन कौन सी पावर? जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, बहुत सारी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, बट इन सीएससीटी ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज गिवन, एंड वी नीड टू रिमेंबर अ पार्ट ऑफ इट ओनली, एंड इन दैट ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर द एमसीक्यू कंटेंट थ्रू विच द एमसीक्यू कैन बी फॉर्म्ड। वी नीड टू डू स्मार्ट स्टडी, नॉट विद हार्ड वर्क, विद अ लिटिल बिग हार्ड वर्क, ऑब्वियसली दैट्स गो विदाउट सेइंग। सो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 53 हो गया। अब सुनना मेरी बात, इस पूरे वन ईयर के अंदर एक रूल है, जो हमारे पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती है
वो 6 मंथ्स के अंदर एक बार होनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स हो गए और हमारा पार्लियामेंट कंट्री का एक बार भी मिला ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि 6 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट की मीटिंग होना कंपलसरी है। अब सुनो मेरी बात, कि मान लो फर्स्ट 6 मंथ्स में मीटिंग हो गई, ठीक है, और मान लो जनवरी में मीटिंग हो गई, और अब मीटिंग अगली दिस जनवरी के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून को मिलेंगे। मान लो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है मीटिंग कब होगी, फरवरी में कोई बहुत अर्जेंट कोई चीज़ हो गई जिस पर तुरंत लॉ लाना है, तुरंत गवर्नमेंट को लॉ लाना है, पर लॉ कैसे लाए? अगली मीटिंग जून में आएगी और जनवरी में हो चुकी, लॉ कैसे आता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इससे लॉ आता है, गवर्नमेंट को तुरंत लॉ आना है। कंडीशंस होती है बहुत सारी, जैसे हमारा ये चाइल्ड को अगर कोई चिल्ड्रन मतलब किसी का रेप करता है तो उसको 18 के अंदर, 18 कुछ प्रोविजन आया था ना कि भाई डेथ पेनल्टी विल बी अवॉर्डेड टू द रेपिस्ट, तो वो तुरंत था, हमें चाहिए, हमें अभी लॉ चाहिए, लॉ कैसे लाए? ये चीज़ तो फंक्शन कर नहीं रही। ये चीज़ है ना, सीधा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सीधा उस लॉ पे अपने साइन कर देगा और वो लॉ इस्टेब्लिश हो जाएगा। प्रेसिडेंट सीधा उस लॉ पे साइन कर देगा, जैसे रामनाथ कोविंद है, वो सीधा उस लॉ पे साइन कर देगा, वो चीज़ हो गई। तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, दिस इज नोन एज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर दैट इज प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पर एक और चीज, ये आज किसने बोला है? 123, 123 सबसे इजी आर्टिकल, 123 किसका? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब आता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। कौन करता है? सीधा प्रेसिडेंट साइन करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना, मेरे को डीएम करना, कोई भी दिक्कत आए मैं पर्सनली मैसेज करूंगा, मेरे को कॉल कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, पर आपके डाउट्स सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ मेरे को बताना, मैं स्लो करूंगा स्पीड, ठीक है। और वीडियो अपलोड हो रही है, वीडियो आ रही है, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड, वी विल वर्क ऑन आर डेडलाइन डेफिनेटली, ठीक है। अब सुनना, इस ऑर्डिनेंस को जो इसने पास करा उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है? 6 वीक्स की होती है। कब से? एक बार पार्लियामेंट फंक्शनिंग में आ गई, ये हमारा जून में सेशन था, इसने फरवरी में ऑर्डिनेंस बनाया, जून में हमारी पार्लियामेंट चालू हो गई, तो पार्लियामेंट चालू होने के बाद 6 वीक्स के अंदर अंदर, 6 वीक्स के अंदर 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 इसको लोकसभा राज्यसभा में टेबल करके पास कराना पड़ेगा, वरना ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस का कोई भी प्रोविजन लॉ में लागू नहीं होगा अगर ये लोकसभा राज्यसभा में टेबल नहीं हुआ 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट के सेशन को चालू होने के बाद। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी हुई? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक, 6 मंथ्स तो पार्लियामेंट सेशन आने तक प्लस 6 हफ्ते पार्लियामेंट सेशन आने के बाद। तो यही चीज मैंने लिखी है कि 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली ऑफ हाउसेस इट नीड टू बी टेबल्ड, मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन कैन बी 6 मंथ्स, सो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, ठीक है। एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी पार्लियामेंट बहुत इजी टॉपिक है। पार्लियामेंट में लोकसभा कर लिया, राज्यसभा कर लिया, प्रेसिडेंट कर लिया, प्रेसिडेंट की दो पावर कर ली आर्टिकल 53 एंड आर्टिकल 123 के अंदर। अब हम बात करते हैं इन लोगों की, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, विधानसभा की हमने बात कर ली, विधानसभा डायरेक्ट इलेक्शन वाली होती है, विधान परिषद हमारी इनडायरेक्ट इलेक्शन की होती है, ये लोग ही इन लोगों को चुनते हैं, ये परमानेंट बॉडी होती है, ये परमानेंट बॉडी नहीं होती, ये 5 साल बाद एक्सपायर हो जाती है, ये कभी एक्सपायर नहीं होती, इसमें थोड़ी लिमिट होती है, इसमें भी थोड़ी लिमिट होती है, वो लिमिट आपको याद करनी है, इसमें मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता। और अब गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसके अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता है, फुल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के अंदर। देखा था ना तुमने कितना सारा इलेक्शन थे, ये भी वो भी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिस, गवर्नर के अंदर कोई किसी का कुछ नहीं चलेगा, डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट की कि उसको किसको गवर्नर अपॉइंट करना है। इसकी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, इसकी भी लेजिस्लेटिव पावर होती है कि ये जो यहाँ से बिल बन के आया है वो एक्ट तभी बनेगा जब गवर्नर के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो ये इसकी लेजिस्लेटिव पावर हो गई। इसको भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिलती है, उसको 123 में मिलती थी,
प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में मिलती है, गवर्नर को 213 में मिलती है, 123 213 में मिलती है, और इसकी ऑर्डिनेंस की लिमिट लिमिट भी 6 वीक्स होती है, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स होती है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, अब सुनो पार्लियामेंट कर लिया, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर छोटा सा टॉपिक है उसको भी कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर प्लस ऑल हिज मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर हो गया प्लस फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उन लोगों के मिनिस्टर्स है, वो लोग हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। ये सब अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, जो लोकसभा में जीता, जिसको लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा जिस पार्टी की सीट्स आई उसका प्रेसिडेंट होगा। वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी देगा कि देखो भाई मैं जीता हूँ, मेरे पास लोकसभा में मेजोरिटी है, मैं इलेक्शन जीता हूँ, तो आप मेरे को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट वो प्राइम मिनिस्टर आप मेरे को अपॉइंट करो। तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है इलेक्शन जीत गया मोदी प्रेसिडेंट बोले मैं तो अपॉइंट नहीं करता, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट बहुत हमारे मतलब प्रेसिडेंट की पावर रिस्ट्रिक्ट है, उसको करना ही पड़ेगा, वो अपनी चॉइस बहुत जगह पर नहीं लगा सकता, वो एक पपेट की जैसे काम करता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और प्रेसिडेंट बोलेगा कि निर्मला सीतारमन ये मेरी फाइनेंस मिनिस्टर होगी, ये सुषमा स्वराज मेरी ये होगी, ये लोग मेरे ये होगी, आप लोग इनको मिनिस्टर बनाओ, तो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट दीज पर्सन्स एज हिज मिनिस्टर्स, सो दे आर नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका नंबर क्या होता है? इनका नंबर 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 550 थी आई थिंक, एक मिनट सॉरी, हाँ टू एंग्लो इंडियन को मिला दे तो 552 हो गई। अब इसका 15% निकालो, इसका 15% कैसे निकलेगा? 552 सॉरी सॉरी 552 प्लस 15/100, इसका 15% निकालना पड़ेगा, तो ये समथिंग 3 से कटा, ये 20 से कटा, ठीक है 22 जा 40, 40 के बाद 15 2 2 25 जा 7 समथिंग, ऐसे करके समथिंग, इतनी कैलकुलेशन अभी करने की जरूरत नहीं है, मतलब 15% है अपन निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा इसकी कैलकुलेशन, अभी वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी इसके कारण, ठीक है। 15% मेंबर्स लोकसभा के 15% से ज़्यादा इसके मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ी है मेरे 200 लोग, मेरे पार्टी के 200 लोग जीते सबको मैं मिनिस्टर बनाता हूँ, नहीं भाई, 200 में से 60-70 लोगों को ही मिनिस्टर बना, ठीक है। मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज़ है, मिनिस्टर इज़ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। ओथ कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इनकी सैलरी कहाँ मिलती है? इनकी सैलरी सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है, इनको किस हिसाब से सैलरी मिलेगी, तो देखो मैंने सेकेंड शेड्यूल इधर आया और यहाँ पर फोर्थ शेड्यूल आया था कि राज्यसभा के अंदर किस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये सेकेंड शेड्यूल आया, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके कितने आर्टिकल्स होते हैं, प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल होता है, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट हो गई, और हमने यूनिटरी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कर लिया, हमने पार्लियामेंट कर लिया, पार्लियामेंट में लोअर हाउस राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट की पावर, इनके मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इनके नॉमिनेटेड लोग, इनका प्रोसीजर समझ लिया, हमने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमने अभी तक ये चीज़ें समझ ली। हमने ये देख लिया कि इसके इलेक्शन कैसे होते हैं, पूरे इंडिया को कितने पार्टों में डिवाइड करता है, इंडिया के अंदर होती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है, हमने ये सारी चीज़ें प्रोसीजर इसका समझ लिया कि इंडिया के अंदर कितने लोगों को डिवाइड करता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमने प्रेसिडेंट, ये हमने इतना पार्ट कवर कर लिया। अब हम थोड़े अपने सिलेबस के पास जाते हैं। सिलेबस के अंदर हमने प्रियम्बल कर लिया, स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ टॉपिक, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है कि, पर ठीक है अब एक बार इसको होल्ड करें। प्रेसिडेंट और गवर्नर कर लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर कर लिया, लोकसभा एंड राज्यसभा कर लिया। तो हमने अभी तक ये सिलेबस में अपनी ये चीजें कर ली, तो एक बार के लिए
मैं इस वीडियो को यहाँ रोकता हूँ, वरना वीडियो की लेंथ बहुत एक्सटेंड हो जाएगी। पर आज के डेट में टुडे ओनली, नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड। मेन दिक्कत ये है कि अगर मैं अभी अपलोड कर दूंगा तो उसको अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो मैं इस वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ। और जो इसका सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर वो मेरा प्रिपेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा आर्टिकल ये पार्ट वन, पार्ट टू। हमने आपको अभी पार्ट वाले बताया कि पार्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट और आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है। तो ये देखो मेरा लेक्चर इसका प्रिपेयर है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, सारी रिट्स के बारे में बात करेंगे, 32 सेशोररी मैंडमस हाइबियस कॉर्पस। तो एक बार मैं इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ, आप ये जो सेकेंड लेक्चर है, जो लोग मेरे को बाद में देख रहे हैं, सेकेंड लेक्चर भी अभी थोड़ी देर में आज की डेट में अपलोड हो जाएगा। सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच ऑल, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।